रशपाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हेयर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जो भी पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की गई हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे जो हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन रहते हैं, सो दैट इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पर्सन के द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया। ऑप्टिकल फाइबर एक बेसिकली वायर है एक तरह से, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट के पर्पज के लिए यूज की जाती है। और ये जो वायर है, और वी कैन से ये ऑप्टिकल फाइबर जो इन्वेंट किया गया, दैट वॉज बाय नरेंद्र कपानी। सो ऑप्शन इज बी, नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंट किया गया। ये जो पर्सन है बेसिकली ही इज ए इंडियन बॉर्न अमेरिकन, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये आपने याद रखने, और ये इन्वेंशन इन्होंने की थी, दैट इज इन द ईयर 1952। कौन सी इन्वेंशन, ऑप्टिकल फाइबर, किस पर्सन के द्वारा, नरेंद्र कपानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑटोमोबाइल। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा पहला ऑटोमोबाइल इंट्रोड्यूस किया गया या प्रोड्यूस किया गया। ऑटोमोबाइल मतलब ये जो हमारी कार्स वगैरह होती हैं, तो ऐसा करने वाले पहले साइंटिस्ट है, दैट वाज कार्ल बेंज। सो ऑप्शन इज सी, कार्ल बेंज वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोड्यूस फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन द वर्ल्ड। ही डेवलप्ड फर्स्ट स्टेशनरी गैसोलिन इंजन, उन्होंने गैसोलिन इंजन बनाया था इन द ईयर 1879। कौन से पर्सन के द्वारा, कार्ल बेंज। सो ऑप्शन वाज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन, दैट इज ओरल, जो पीने वाली वैक्सीन होती है पोलियो के बेसिस पे, कौन से पर्सन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। और वो किया गया, दैट इज बाय अल्बर्ट सेबिन। सो ऑप्शन इज सी, अल्बर्ट सेबिन वाज द बेसिकली पर्सन हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि ऑरल बेसिस पे जो बच्चे आज की डेट में लेते हैं। और ये जो पोलियो वैक्सीन है ऑरल बेसिस पे, ये इन्वेंट हुई इन द ईयर 1961। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, अल्बर्ट सेबिन। सो ऑप्शन वॉज सी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु वॉज एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ पेंटियम चिप। कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि पेंटियम चिप की क्रिएशन, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन के साथ संबंध रखता है, और वो है, दैट इज विनोद धाम। सो ऑप्शन इज ए, विनोद धाम वॉज अ पर्सन बेसिकली हु इज एसोसिएटेड फॉर द फॉर्मेशन और द मेकिंग ऑफ पेंटियम चिप। पेंटियम चिप जो कि बेसिकली कंप्यूटर में यूज की जाती है, राइट। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ पेंटियम चिप। कौन से पर्सन है, विनोद धाम। सो ऑप्शन इज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विच कंपनी इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर रेडियो। कौन सी ऐसी कंपनी जिसने सबसे पहले इन्वेंट किया था क्या चीज़, दैट इज ट्रांजिस्टर रेडियो। ये जो रेडियो जो हम पहले यूज करते थे, पहली कंपनी जिसने इसको प्रोड्यूस किया या इन्वेंट किया, और वो थी, दैट इज सोनी। सो ऑप्शन इज सी। तो ये आपने याद रखने, दैट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर ट्रांजिस्टर रेडियो, वेर एज जो इन्वेंशन ऑफ रेडियो जो की थी, दैट वॉज बाय गुगलिल्मो मार्कोनी। गुगलिल्मो मार्कोनी के द्वारा रेडियो की इन्वेंशन की गई थी। वेर इस तरह के ट्रांजिस्टर जो कौन सी कंपनी ने प्रोड्यूस किए या मैन्युफैक्चर किए, ये इन्वेंट किए सबसे पहले, दैट वाज सोनी। सो ऑप्शन वाज सी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट द फर्स्ट मॉडर्न मोटर कार। पहली मॉडर्न मोटर कार कौन से पर्सन के द्वारा बनाएगी, और वो बनाएगी, दैट इज बाय हेनरी फोर्ड। सो ऑप्शन इज बी, हेनरी फोर्ड के द्वारा पहली मोटर कार बनाई गई। वेरेज अगर हम बात करें, इससे पहले हम बात कर चुके हैं ऑटोमोबाइल पहले इंट्रोड्यूस करने वाले, वो भी आपने याद रखने, और फर्स्ट मोटर कार जो बनाई गई मॉडर्न बेसिस पे, दैट वाज बाय हेनरी फोर्ड। तो ये आपने याद रखने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप। वीडियो टेप कौन से पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई, और वो की गई, दैट इज बाय चार्ल्स गिन्सबर्ग। सो ऑप्शन इज ए, चार्ल्स गिन्सबर्ग वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड वीडियो टेप। वीडियो टेप जो बेसिकली एक मैग्नेटिक टेप होती है, दैट इज फॉर स्टोरिंग वीडियो एज वेल एज ऑडियो, जो कि बहुत पहले हम यूज करते थे, राइट। तो ये इन्वेंट की गई, दैट इज बाय चार्ल्स गिन्सबर्ग। हमारा एट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। इलेक्ट्रॉन किस पर्सन के द्वारा डिस्कवर किए गए, एंड दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ थॉम्सन। सो ऑप्शन इज बी, जोसेफ थॉम्सन वॉज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1897 while he was studying the properties of cathode ray. जब वो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे 1897 में, तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बेसिकली दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन एन एटम।
जैसे प्रोटॉन होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की गई दैट इज बाय जोसेफ थॉमसन। सो ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द लेजर। लेजर किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई और वो की गई दैट इज बाय टी एच माइमन। सो ऑप्शन इज सी। टी एच माइमन के द्वारा लेजर इन्वेंट की गई। लेजर बेसिकली जिसको हम बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं इन द ईयर 1960। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपने बताना है लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। तो इसका आंसर आपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हमारा 10th क्वेश्चन है हु इज रिकॉग्नाइज एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के पिता किसको कहा जाता है और वो किया कहा जाता है दैट इज टू ऑक्लिड। सो ऑप्शन इज बी। ऑक्लिड को कहा जाता है दैट इज फादर ऑफ ज्योमेट्री। और अगर हम इंडिया में बात करें फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स वो कहा जाता है दैट इज टू आर्यभट्टा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द वॉइस मेल। वॉइस मेल किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई। वॉइस मेल जो कि एक तरह से वॉइस मैसेज हम भेजते हैं तो ये इन्वेंशन किसके द्वारा की गई और वो की गई दैट इज बाय गॉर्डन मैथ्यू। सो ऑप्शन इज सी। गॉर्डन मैथ्यू वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड वॉइस मेल। वॉइस मेल मतलब वॉइस मैसेज जो होता है हमारा। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट फॉर सर्जरी। सबसे पहले आर्टिफिशियल सर्जरी एज ए हार्ट की करना सबसे पहले किसने ये इंट्रोड्यूस किए और वो किया गया दैट इज बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड। सो ऑप्शन इज ए। ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही वॉज द मैन हु इज नोन फॉर फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट। इस चीज की हार्ट की ईयर याद रखने ईयर इज 1967। कौन से पर्सन क्रिश्चियन बर्नार्ड दैट इज आर्टिफिशियल हार्ट फॉर सर्जरी करने वाले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड रडार। रडार किसके द्वारा इन्वेंट की गई और वो की गई दैट इज बाय ए एच टेलर एंड लियो सी यंग। इन दोनों के द्वारा की गई दैट इज द पर्सन फ्रॉम यूएसए। और रडार जो बेसिकली एक डिटेक्शन सिस्टम होता है जो कि रेडियो वेव्स यूज करता है। तो आपने याद रखने रडार कौन सी वेव्स यूज करते हैं। रेडियो वेव्स यूज करते हैं दैट इज टू चेक डायरेक्शन और वी कैन से फॉर डिटेक्शन ऑफ डिस्टेंस या स्पीड। तो किसके द्वारा ए एच टेलर एंड लियो सी यंग। कौन सी चीज रडार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द रेलवे इंजन। रेलवे इंजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया और वो किया गया दैट इज वी ऑल नो जॉर्ज स्टीफन्स के द्वारा। ऑप्शन इज डी। जॉर्ज स्टीफनसन के द्वारा इन्वेंट किया गया दैट इज रेलवे इंजन इन द ईयर 1825 और ये एक स्टीम इंजन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम फॉर राइटिंग बाय ब्लाइंड पीपल वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। ये जो हमारे ब्लाइंड लोग होते हैं द पीपल हु कैनॉट सी विद देयर आईज तो उनके लिए एक तरह से राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कौन से पर्सन के द्वारा और वो किया गया दैट इज बाय लुइस ब्रेली। सो ऑप्शन इज ए। लुइस ब्रेली के द्वारा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जो हमारे ब्लाइंड पीपल हैं वो बाय टचिंग राइटिंग एंड बेसिकली रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो रीडिंग एंड राइटिंग बाय टचिंग जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इट्स अ सिस्टम वी कॉल इट एज ब्रेली और ऐसा करने वाले पर्सन दैट इज लुइस ब्रेली। तो आपने याद रखने ही वॉज अ मैन फ्रॉम फ्रांस। और इसी तरह से एक डे भी होता है वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट करते हैं वो होता है 4 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। कौन से पर्सन के द्वारा रिवॉल्वर जो गन होती है एक तरह से हैंड गन होती है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई और वो की गई दैट इज बाय सैमुअल कॉल्ड। सो ऑप्शन इज डी। रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय विच पर्सन सैमुअल कॉल्ड। ये एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और इन्होंने ये इन्वेंशन की इन द ईयर 1836। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफ्रिजरेटर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। किस पर्सन के द्वारा रेफ्रिजरेटर इन्वेंट किया गया और वो किया गया दैट इज बाय जे परकिंस के द्वारा। सो ऑप्शन इज ए। जे परकिंस मीन्स जैकब परकिंस एंड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर। और आपने अगर हम बात करें अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक साइंस में कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में मेजर बेसिस पे यूज की जाती है और वो की जाती है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 18th क्वेश्चन है द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाई डैश। फ्लोटिंग बॉडीज जो हमारी बॉडीज होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं बेसिकली तो ये लॉ किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और वो किया गया दैट इज बाई आर्किमिड्स। सो ऑप्शन इज बी जिसको हम आर्किमिड्स प्रिंसिपल बी बोलते हैं राइट। सो आर्किमिड्स प्रिंसिपल जो होता है वो यूज किया जाता है दैट इज फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। जब हम ships को डिजाइन करते हैं या सबमरीन्स को बनाते हैं वो डूबे ना और इसी बेसिस पे एक तरह से जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी का एक लॉ है वो डिस्कवर किया गया दैट इज बाय आर्किमिड्स। ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। सोडियम किस पर्सन के द्वारा डिस्कवर किया गया और वो किया गया दैट इज बाय सर हम्फ्री डेवी। सो ऑप्शन इज ए। सोडियम जो कि बेसिकली एक केमिकल है किस पर्सन के द्वारा डिस्कवर किया गया दैट इज बाय सर हम्फ्री डेवी। ये डिस्कवर किया गया इन द ईयर 1807 और सोडियम का सिंबल होता है दैट इज Na।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी मैचेस वॉज इन्वेंटेड बाय डैड, जो सेफ्टी मैचेस जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई, और वो की गई दैट इज बाय जे ई लैंडस्टॉर्म। सो जे ई लैंडस्टॉर्म के द्वारा ये इन्वेंशन की गई, दैट इज सेफ्टी मैचेस, तो आपने याद रखने। और जो सेफ्टी मैचेस का हेड होता है जो कि हम बर्न करते हैं, वो आपने याद रखना, उसमें क्या होता है, इट कंटेन सल्फर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई डैश, माइक्रोस्कोप किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया, और वो किया गया दैट इज बाय एटॉन वैन लुइन हॉक, एटॉन वैन लुइन हॉक के द्वारा इन्वेंशन किया गया, दैट इज बाय, दैट इज माइक्रोस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पर्सन है एटॉन वैन, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज एटॉन वैन लुइन हॉक, किस चीज की इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज 22nd, हु इज द इंग्लिश फिजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी, कौन से ऐसे इंग्लिश पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है बिग बैंग थ्योरी के, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में दर्शाया या बताया, और वो है दैट इज जॉर्ज गैमो। सो जॉर्ज गैमो वॉज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्योरी दैट इज बिग बैंग थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखने। और ये जो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दी इन द ईयर 1947, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली बताती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आपने याद रखने। कौन सी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जॉर्ज गैमो, सो ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया। फाउंटेन पेन वो होता है जिसमें हम बेसिकली इंक डालते हैं, राइट, तो बहुत साल पहले भी हम यूज करते थे, अभी भी करते हैं, तो ये इन्वेंशन किस पर्सन के द्वारा की गई, और वो की गई दैट इज बाय लुइस ई वाटरमैन, सो ऑप्शन इज सी, लुइस ई वाटरमैन के द्वारा ये फाउंटेन पेन इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ आपने एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए, जो फाउंटेन होता है बेसिकली फुहारा, उसमें से पानी निकलता है, पानी मींस वाटर, तो इसी तरह से आप याद रखते हैं इसको, लुइस ई वाटर के द्वारा क्या चीज इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज फाउंटेन पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पॉइंट पेन जो हम आज की डेट में भी यूज करते हैं, जिसमें एक छोटी सी आगे बॉल लगी होती है जिसमें रिफिल डालना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉल पॉइंट, तो ये इन्वेंशन किस पर्सन के द्वारा की गई, ये की गई दैट इज बाय बीरो ब्रदर, सो ऑप्शन इज ए, और फर्स्ट मॉडर्न बॉल पेन इन पर्सन, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सो ऑप्शन वॉज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड, गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट के द्वारा क्या इन्वेंशन की गई, और वो किया गया दैट इज थर्मोमीटर, सो ऑप्शन इज दी, हु इन्वेंटेड बेसिकली थर्मोमीटर, दैट इज गैलीलियो गैलीली, सो हियर ऑप्शन वॉज डी। हमारा 26th क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, और वो किया गया दैट इज बाई एल्फर्ड बी नोबल, सो ऑप्शन इज डी, एल्फर्ड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट इन्वेंट किया, आपने याद रखने। डायनामाइट बेसिकली जो कि एक एक्सप्लोसिव मैटर होता है, इसकी जो इन्वेंशन हुई थी दैट इज इन द ईयर 1867, और ये जो एल्फर्ड बी नोबल है ही वॉज अ मैन फ्रॉम स्वीडन, तो ये आपने याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इगोर सिकोर्स्की इन्वेंटेड, इगोर सिकोर्स्की एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, और वो किया गया दैट इज हेलीकॉप्टर, सो ऑप्शन इज सी, हेलीकॉप्टर वॉज इन्वेंटेड बाय इगोर सिकोर्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने बात की हेलीकॉप्टर, वेयर एज अगर आपसे पूछा जाए एरोप्लेन किसके द्वारा इन्वेंट किए गए, वो किए गए दैट इज बाय राइट ब्रदर्स। हमारा 28th क्वेश्चन है, वट एल्मर ए स्पेरी इन्वेंटेड, एल्मर ए स्पेरी के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, और वो किया गया दैट इज मैग्नेटिक कंपास, ऑप्शन इज सी, मैग्नेटिक कंपास जो कि साइंस में हम यूज करते हैं, दैट इज टू चेक द डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को चेक करने के लिए जो हम एक मैग्नेटिक बेसिस पे जो एक कंपास यूज करते हैं, तो वो इस पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई, पर्सन का नाम एल्मर ए स्पेरी, और इन्वेंशन क्या है, दैट इज मैग्नेटिक कंपास, ऑप्शन वो सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया, और वो किया गया दैट इज बाय किर्क पैट्रिक मैकमिलन, किर्क पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा वर्ल्ड का पहला बाईसाइकिल इंट्रोड्यूस किया गया, ही वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो ये जो बेसिकली ये जो बाईसाइकिल था इट वॉज पैडल बाईसाइकिल, जो कि हम पैडल के जरिए चलाते हैं, तो पर्सन है दैट इज किर्क पैट्रिक मैकमिलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द बैटरी, बैटरी किस पर्सन के द्वारा इन्वेंट की गई, और वो की गई दैट इज बाय अलेजेंड्रो वोल्टा, सो ऑप्शन इज बी, अलेजेंड्रो वोल्टा के द्वारा इन्वेंशन की गई क्या, दैट इज बैटरी। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर रिपीटेड रहते हैं हमारे क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हमारा क्वेश्चन है कॉर्नफ्लेक्स हु मेड देम फर्स्ट, कॉर्नफ्लेक्स जो कि हम बेसिकली ब्रेकफास्ट में खाते हैं,
किसके द्वारा ये सबसे पहले बनाए गए? तो इसका जो भी आंसर है आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक है उसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड ट्विटर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।